मंदसौर किसान कांग्रेस ने दलौदा हाईवे पर लगाया चक्का जाम। लहसुन प्याज के भाव की वृद्धि को लेकर लहसुन की निकाली शव यात्रा। मंदसौर जिले के दलौदा कृषि उपज मंडी में लहसुन व प्याज के भाव वृद्धि को लेकर किसान कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों के साथ दिया धरना। दलौदा तहसीलदार संजय मालवीय को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। दलौदा कृषि उपज मंडी में किसान कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर लहसुन व प्याज के भाव वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया व आंदोलन कृषि उपज मंडी से चौपाटी तक लहसुन की शव यात्रा भी निकाली। शव यात्रा लेकर हाईवे पर पहुंचे कांग्रेसजनों ने लहसुन प्याज को रोड पर बिखेर कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद हाईवे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंचे दलौदा थाना प्रभारी संजय सिंह परिहार ने जाम खुलवाया। वहीं शव यात्रा में कांग्रेसजनों ने राम नाम सत्य है, शिवराज मोदी मस्त है, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में आदि कई नारे लगाए। वहीं धरने में कांग्रेस नेता सोमिल नाटे ने कहा कि किसानों की फसल के उत्पादन का भाव यह सरकार नहीं समझ रही है। यहां दलौदा मंडी में एक पर्ची भी हमारे सामने आई है जिसमें 2 रुपये किलो की लहसुन बिक रही है। हर तरफ भाजपा सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। यह दुगनी करने वाली सरकार नहीं है, यह दोगली बातों वाली सरकार है। ये केवल पूंजीपतियों उद्योगपतियों की सुध लेना चाहती है। यह सरकार गरीब किसानों की सुध कब लेगी? वहीं किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़ ने कहा मध्य प्रदेश की सरकार में पूरी तरह पागल हो गई है, इसको जरूरत है मेंटल हॉस्पिटल भेजने की। किसान मर रहा है भाव नहीं मिलने के कारण। आए दिन किसान मंडियों में चक्का जाम कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं पर ये घूंगी बेरी सरकार हो चुकी है। मंदसौर जिले का किसान आंदोलन करके अपने अधिकार को प्राप्त करना जानता है। वहीं मल्हारगढ़ प्रत्याशी रहे परशुराम सिसोदिया ने कहा केंद्र और प्रदेश की सरकार हमेशा कहती आ रही है कि हम अन्नदाता किसानों की आय दोगुनी करेंगे। वह एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने को कहते हैं और दूसरी तरफ आय शून्य हो गई। शून्य इसीलिए हो गई है कि अन्नदाता किसान अपनी मेहनत और खून पसीने से कमाई लहसुन रोड नदी तालाब में फेंकने को मजबूर है। इसीलिए की जा रही है कि लहसुन के दाम 25 पैसे या 30 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। यह प्रदर्शन आज सोमवार को किया गया, मीडिया से चर्चा करते हुए बताया और कई आरोप भाजपा सरकार पर लगाए हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह पागल हो गई है, इसको जयपुर मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की जरूरत है। किसान मर रहा है भाव नहीं मिलने के कारण, आए दिन चक्का जाम, रोड पे आंदोलन और किसान अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन ये गूंगी बेरी हो चुकी है सरकार। मंदसौर जिले का किसान आंदोलन करके अपने अधिकार को प्राप्त करना जानता है। हमने इसी संदर्भ में मंदसौर मंडी के और दलौदा मंडी के अंदर यह धरना प्रदर्शन करके लहसुन और प्याज के भावांतर योजना या मुआवजा राशि वितरण करने के लिए मांग रखी है। समय रहते सरकार नहीं जागी है तो ईंट से ईंट बजा देंगे और उग्र आंदोलन खड़ा करके सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। सीना उसके उत्पादन का भाव ये किसान ये सरकार समझ नहीं पा रही। आज जिला किसान कांग्रेस द्वारा एक सांकेतिक प्रदर्शन इस बात का किया गया। एक पर्ची भी हमारे सामने आई जब एक व्यापारी 2 रुपये किलो में अपनी लहसुन बेचकर उस मंडी में खड़ा था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हर तरफ बात होती है कि सरकार कहती है कि आमदनी दुगनी करेंगे, ये दुगनी आमदनी वाली सरकार नहीं, ये दोगली बातों वाली सरकार है जो केवल पूंजीपतियों की, बड़े व्यापारियों की, बड़े उद्योगपतियों की सूद लेना चाहती है। इसके दिल में, इसके दिमाग में, इसके जहन में छोटा किसान, छोटा व्यापारी, मध्यम वर्गीय बिल्कुल नहीं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फ़ायदा केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को हो रहा है। लहसुन की बात करें या सोयाबीन की बात करें, सब दूर दाम कम होते जा रहे हैं, लेकिन सोयाबीन से निकलने वाला तेल महंगे से महंगा होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि सब ने कहा कि यहां पसीना भी बहाया गया है और जब जब आंदोलन की बात आई है तो यहां 7 किसानों ने अपनी शहादत भी दी है। ये वो ज़िला है जो किसान अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर पहले शांतिपूर्ण तरीके से आएगा, फिर चेतावनी लेकर आएगा, लेकिन सरकार को अपने रवैये को ठीक करना पड़ेगा। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सांकेतिक प्रदर्शन है, आरती के माध्यम से बताने की कोशिश की गई कि जो
एक किसान अपने प्यार से जिस तरीके से बच्चे को पालता है, फसल को पालता है, उसके मन में इतना आक्रोश है, उसके मन में इतना पसीजा हुआ है, दुख है कि जिस फसल को उसने अपने बेटे बच्चे की तरफ पाला पोसा बड़ा किया, कि वो मंडी में जाएगा, उसका हक का, ईमान का और धर्म का पैसा, उसकी उत्पादन की कमाई वो लेके आएगा, तो आज जो जब 2 रुपये किलो 25 पैसे बिके तो उसकी क्या हालत हो। विभिन्न मांगों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसे लेकर आगे फॉरवर्ड किया जाए। आज कांग्रेस किसान शासन के कार्यकर्ताओं द्वारा किन किन मांगों को लेके ज्ञापन दिया गया है और क्या रणनीति? सूरज जी, इसमें फसलों के भाव को लेकर और मंडी की व्यवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया है। फसलों के भाव काफी कम है, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, इसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। किसान कांग्रेस के तत्वाधान में दलौदा कृषि उपज मंडी में जो लहसुन और प्याज के भाव है वो निरंतर गिरते जा रहे हैं और अभी 1 से 5 रुपए किलो लहसुन बिक रही है। इसकी मांग को लेकर किसान कांग्रेस के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजित किया गया एवं कांग्रेस द्वारा मांग की गई है कि या तो उसको भावांतर के अंतर्गत लाया जाए या फिर इसका समर्थन मूल्य तय किया जाए। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। जो अर्थी निकल गई उसका क्या उद्देश्य? ये सरकार को जगाने के लिए ये लहसुन की अर्थी निकाली गई है कि लहसुन के भाव मर चुके हैं, इसलिए ये लहसुन की अर्थी निकाली गई है।